क्या बात है, रिश्ते की बात होने के बाद से आप तो बिल्कुल गायब हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है जी। नहीं जनाब, आपको गलत फहमी हुई है। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, मुझे ये बताओ ना सचल के हमाद भाई और आंटी जवाब कब देंगे? मिल जाएगा जवाब, इतनी जल्दी क्या है? हाय, जल्दी इसलिए है मैडम कि ये जो जालिम समाज है ना, मैं नहीं चाहता कि फिर से हमारे बीच में ये एक दीवार खड़ी कर दे। कितनी फजूल बातें करते हैं आप। हंस लो हंस लो, बहुत अच्छी तरह से हंस लो, देखना एक दिन मेरी बारी भी आएगी। कोई बारी बारी नहीं आने वाली। अच्छा, और ऐसा क्यों है? मेरे भाई को जानते हैं ना आप? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, देख लूंगा उन्हें। एक ध्यान से भाई हैं वो मेरे। हाँ, और मेरे आधे घर वाले, मेरे और सुफियान भाई के बिल्कुल बीच में, वही हमारे घर के तो पूरे के पूरे मालिक बन गए हैं अब वो। पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं आप। ओहो साला, आधे घर वाला होता है ना। सजल, सजल, अम्मी बुला रही हैं, मैं बाद में फोन। अरे नहीं, लेकिन मेरी मैं क्या हो रहा है अम्मी? समिया की बात कर रही हूँ, कल रिश्ते की बात करके गई है और देखो कितनी सारी तस्वीरें भेज दी आज उसने। ये वाली प्यारी है ना? नीचे भी पढ़ लो बेटा, बाप डॉक्टर है, तीन तीन भाई हैं, दो फौज में और एक बड़ा अफसर है। नहीं भाई, ऐसे घर की लड़की नहीं लानी मैंने। क्यों? ऐसे घर की लड़की लेकर आके अपना बुढ़ापा खराब कर लूं मैं? लोग तो अच्छी फैमिलीज की तलाश में रहते हैं। बेटा ऐसे घर की लड़की नहीं लेकर आनी जो आते ही मेरे बेटे को अपने काबू में कर ले। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? तुम नहीं समझोगी बेटा, बच्ची हो अभी तुम। लेकिन हमारे भाई कोई बच्चे थोड़ी हैं जो किसी के भी कहने पे यूं चल पड़ेंगे। कितना प्यार करते हैं वो आपसे। शादी के बाद माँ से प्यार कहाँ रहता है? भाई ऐसे नहीं है। भाई जैसे भी हो, लड़की तो मैं सोच समझ के ही लेकर आऊंगी। क्या चल रहा है यहाँ पे? इसे देख के लगता है कि ये अपना घर बार छोड़ के महके में आके बैठ गई है। ओफो अम्मी, अब आप दोबारा शुरू मत हो जाइएगा। और ये क्या पुराने जमाने जैसी बातें करती रहती है, अब कोई नहीं सोचता ऐसे। शरीफ घरानों में ना ऐसी बातों पे लोग डूब के मर जाते हैं। अच्छा छोड़े ना ये बातें, क्या कर रहे थे आप दोनों? तस्वीरें कोई देख रहे थे? लड़की की तस्वीरें देख रहे थे आप दोनों भाई के लिए? हाँ, मुझे बताया भी नहीं। मैं देखूंगी अपने भाई के लिए तस्वीरें। इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी कि ऐसे आना पड़ा? अब भी जल्दी ना होती। आखिर हुआ क्या है? सचल मुझे सच सच बताओ, सिचुएशन क्या है अभी? उम्मीद अगर अभी अम्मी आ गई ना तो हम तीनों को बहुत अच्छे से सिचुएशन समझाएंगी। मुझे पता है वो मिलाद में गई है, भाभी मुझे बता चुकी है। ये बाजी को क्या हो गया, क्यों कर रही है वो ये सब? क्या मतलब है क्यों कर रही है? और वो मेरी भाभी नहीं है, बहन जैसी है मेरी, ख्याल रखती है, फिक्र करती है मेरी तुमसे ज्यादा ही। मैं तो दुश्मन हूं ना सचल, थोड़ा सा वक्त है अभी बस हमारे पास, वो भी लड़ झगड़ कर जाहिर कर दोगी क्या? मैं कहां लड़े? एक बात मेरी सुन लो सचल, मुझे कभी धोखे में मत रखना। क्या मतलब है इस बात का? हर वक्त ये खौफ क्यों रहता है तुम्हें? क्यों ऐसी बातें करते हो? परेशान हूं यार मैं, हैरत हो रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आंटी इस तरह का इशू क्रिएट करेंगी। उसे तो लग रहा था कि शायद हम्माद भाई कोई प्रॉब्लम करें, लेकिन आंटी का सोचा भी नहीं था मैं। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि अम्मी को कोई मसला होगा। उनको आखिर इशू क्या है, क्या मसला है उनका? बाजी के मसाइल उनके हालात से वो डर गई हैं। लेकिन सचिन ये हालात हमेशा तो ऐसे नहीं थे ना। मगर कितने अरसे से चल तो रहे हैं ना, और खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहे।
अभी मुश्किल है, आसानी भी आ जाएगी। ये तो मैं भी अम्मी को समझाना चाहती, मगर उनके ख्याल कुछ और ही हैं। और क्या ख्याल है उनका, क्या सोच रही है? वही जो हर आम माँ अपनी बेटी के लिए सोचती है। वो नहीं चाहती मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ कोई मसाइल आए, वो चाहती है मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिले, मुझे किसी चीज के लिए सिसकना ना पड़े। सचल क्या ये खुशियां पैसों से मिलती हैं क्या? मैं यही तो मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ, वो समझ ही नहीं पा रही है। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया वे मेरे दिल कलिया। अम्मी मैंने ना भाई को ये तस्वीर भेज दी है। ये तस्वीर भेज दी? किसको? अक्षर को? या अल्लाह, इतनी नालायक औलाद मेरे ही पल्ले पड़ी है या सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं? आपने तो कहा था कि अच्छे लोग हैं ये। बकवास की थी मैंने। क्या हो गया अम्मी, आपने खुद ही कहा था कि इनके घर वाले बहुत अच्छे हैं। तुम लोग कुछ करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं हो? हाँ अब क्या हो गया, अभी कुछ दिन पहले तो आप उनकी तारीफों के पुल बांधने नहीं थक रही थी। ये देखो, देखो लड़की की तस्वीर, देखो कितनी खूबसूरत है। तो मैं अपनी शामत बुलवा लूं इतनी खूबसूरत लड़की की शादी अशर से करके? क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब को तुम छोड़ दो, तुम्हारी समझ से ना ऊपर की बात है ये। अच्छा अब समझ में आया मुझे, अम्मी भाई की शादी किसी खूबसूरत लड़की से नहीं करेंगे। आ गया मुझे समझ। ठीक है तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगी, एक से पढ़ के एक नालायक हैं दोनों। सारी मुसीबतें मेरे सर पर डाल के खुद भी झट जाती हैं। हटो। देखा तुमने, अम्मी बहुत समझदार है, हम दोनों तो पहुंच ही नहीं सकते इनकी सोच तक। अगर ये भाई की शादी किसी खूबसूरत लड़की से करवा देंगी तो भाई तो हाथ से निकल जाएगा, इसीलिए मुझे यकीन है किसी काली पीली लड़की के साथ शादी करवाएंगी भाई की। फिर ऐसा क्यों? अरे ताकि भाई उसको पूरी जिंदगी मुंह ना लगाए। अशर का फोन है ना। हेलो। हाँ कैसे हो अशर? फरी तुम भी आई हो वहां पर? हाँ वो मैं यहाँ तुम्हें अम्मी से बात करनी थी ना, मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, ये सामने ही तो बैठी हुई है। ये ले अम्मी, अशर का फोन है, लेना। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? बस ठीक हूँ। अच्छा मम्मी, ये अलीजे ने जिस लड़की की पिक्चर भेजी है ना, ये मुझे पसंद है, आप ओके कर दें।